घने जंगलों से घिरा ओडिशा का जिला नबरंगपुर, 10 से ज्यादा आदिवासी जातियों का घर। नबरंगपुर के देवला गांव में हर रोज लगता है ये बाजार। यहीं पर सब्जियां और चावल बेचकर किसी तरह अपने घर की गाड़ी घसीटती पद्मा बुथेरा। पद्मा के पति को कैंसर है, इलाज का कोई रास्ता नहीं। जंगली जड़ी बूटियां पति को देती और अपने मन को समझाती। पति ज्यादा नहीं जी पाए, आदिवासी परंपरा के मुताबिक अब पद्मा गांव के बाहर नहीं जा सकती। किस तरह जिए, फिर एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी है। अपने बच्चे हुए नहीं तो इस अनाथ को गोद लिया, इसे फिर से अनाथ कैसे छोड़ दे पद्मा। ये स्व सहायता समूह पद्मा की इकलौती उम्मीद, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के सहयोग से शुरू हुआ। ये समूह सभी औरतों की आजीविका की गारंटी बन गया। समूह की औरतों के साथ सब्जियां उगाना, मछली पकड़ना, पद्मा धीरे धीरे पति के गम से बाहर निकली। अब पद्मा गांव की दूसरी औरतों को भी स्व सहायता समूह बनाने के लिए समझाने लगी। इस तरह अपने और आसपास के गांवों में करीब 25 समूह शुरू हुए, जिनके लिए प्रेरणा बनी पद्मा। लेकिन इस काम के पीछे पद्मा का एक मकसद था, गांव से साहूकारों की छुट्टी, विलेज विदाउट मनी लेंडर्स। साहूकार को अंतर संग ना देते, बैंक को अंतर संग देले सब लोग रे। अब कोई साहूकार के पास नहीं जाता। गांव में 14 स्व सहायता समूह हैं। किसी को रुपए की जरूरत होती है तो स्व सहायता समूह से ही ऋण मिल जाता है। पद्मा के कदम यही नहीं थमे, सरकार ने मदद की और पद्मा ने कोशिश। नतीजा, आज गांव के हर घर में है शौचालय। आज इस गांव की लड़कियां पढ़ती हैं, उनकी छोटी उम्र में शादी नहीं होती। ये बदलाव पद्मा की कोशिशों का नतीजा। बार ना दे, बार का। अब गांव से कोई पलायन भी नहीं करता। 100 दिन का रोजगार महात्मा गांधी नरेगा में मिल जाता है। फिर स्व सहायता समूह है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी को गांव से जाने नहीं देते। ये है परिचय आज की पद्मा का। ये पुरस्कार पद्मा की अपनी यात्रा के खामोश गवाह है। आज नबरंगपुर ही नहीं, ओडिशा की शान है पद्मा।